हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा न्यू ब्लॉग गाइस, बेटा मेरा ऑफिस चला गया है डैडी के साथ। कह रहा था मुझे ऑफिस जाना है, आज उसकी स्कूल की छुट्टी थी तो इसलिए वो भी साथ में। कह रहा डैडी मैं भी जाऊंगा, तो हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हुए हैं तो साथ में वो भी ऑफिस गया हुआ है घूमने के लिए। कह रहा था मैं घूमने जा रहा हूँ तो गया वो। अब मैं घर पर अकेली बची हूँ। सुबह मैं 7 बजे उठी थी तो इसलिए मेरा नहाना धोना भी सुबह ही हो गया था, झाड़ू पोछा भी मैंने सुबह ही कर लिया था सारा काम। बस लगी मैं पहले नाश्ता करती हूँ, तो चलिए मैं नाश्ता के लिए अपना थाली लगा लेती हूँ। देखिए मेरी थाली लगी हुई है, चावल भी मैंने रखे हैं और कढ़ी बनाया है। कढ़ी मेरी फेवरेट है इसलिए मैंने कढ़ी एक कटोरी रखी है। प्लस ये साथ में बाकला की सब्जी है, जो कि बाकला की भी सब्जी मुझे बहुत पसंद है। और प्लस चटनी भी है, रोटियां भी हैं। बाकी बट अभी अब मैं नाश्ता करूंगी, उसके बाद मैं बाकी के काम करूंगी। किचन भी हमारा देखिए गंदा हो रखा है, मैंने अभी साफ नहीं किया है। ये सारा मेरा किचन बहुत गंदा हुआ है क्योंकि अभी मैंने सफाई की नहीं। मुझे भूख लगी है, मैं नाश्ता करूंगी उसके बाद में बाकी के काम होंगे। चलिए आप वीडियो में बने रहें। हाँ गाइस, मैं छत पे आई हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि छत पे धूप है तो सुबह सुबह का मौसम होता है तो ठंडा ही लगता है नीचे। तो मैं छत पे बैठी हूँ आके, अब यहाँ पे मैं अपना नाश्ता करूँगी। ये देखिए मेरा नाश्ता तैयार है, चलिए मैं अपना नाश्ता करूँ। गाइस मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं नाश्ता करके फ्री हूँ। अब मैं थोड़ा सा धूप लूँगी छत पे बैठ कर, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। देखिए गाइस, ये हमारे बच्चे हैं, देखिए कैसे बाहर खेल रहे हैं और मिट्टी के साथ है, मिट्टी से क्या बना रहे हैं। सानू तुम भी लगी हो साथ में? हाँ। ऐसे बनाते हैं? हाँ। और थोड़ा पैर से दबाते हैं सानू, चल। कर क्या रहे हो, लग जाएगी चोट अभी? नहीं लगेगी। नहीं मैं तो करती ना तो मेरी चोट लग जाती है। हाँ देखो इसको चोट लगती है और आपको नहीं लगती चोट? तो मिट्टी से क्यों खेल रहे हो? क्या मिट्टी से खेला जाता है? हाँ, हाँ। फिर मिट्टी में ये क्या लगा रखा है? कहाँ पर? ये मिट्टी में क्या लगाया हुआ है? ये हाँ, ये क्या है? ये हमने केक बनाया है। केक मिट्टी का केक? हाँ, हाँ। अच्छा, इसको ना लगा के सारे लगा दोगे और हाँ। अभी और हम माचिस से कैंडल भी जलाएंगे इनकी। तो उससे क्या होगा? कैंडल से ना? कैंडल से क्या होगा? कैंडल से हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाएगा जब लाइट चली जाएगी ना। हाँ क्या दिखेगा? घर पर लाइट हमारा है नहीं ना। हाँ। फिर दिखेगा ना कैंडल से? क्या दिखेगा ना, वही तो पूछ रहा हूँ। तेरा है ना। हाँ। तो हमें दिखता नहीं है, लाइट कल भी चली गई थी। हाँ। तो अच्छा चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग, बाय बाय। इसमें भिंडी लगा दी लेकिन बीज तो अभी नहीं निकले। अच्छा निकल तो रहे, एक आध निकल रहे, ये देखो निकला हुआ है। निकल तो रहा है, ये देखो निकला है, ये देखो आया तो है। एक ये निकला है और इधर भी आया हुआ है, ये देखो ये एक है। निकल रहे हैं धीरे धीरे, निकल रहे हैं बीच। शिमला मिर्च भी आने लगे हैं, देखो इसमें शिमला लगे हुए हैं। आए तो रही है, दिख तो रहे हैं इसमें। मैंने भी तो पानी कल लगाया तो सही हुई, लहसुन उसका फूल निकल रहे हैं शिमले में। हाँ, चलो लगाओ भिंडी लगाओ फिर। सारा वाला कहाँ पे? इसमें भी तो फूल आ रहे हैं, सफेद वाला है ये। हमको कुछ सफेदी वाला लग रहा है। इसमें गांठ क्यों लगाई है? ये लहसुन में गांठ इसलिए लगाई है क्योंकि लहसुन अच्छा बैठता है नीचे। हैं? लहसुन अच्छा बैठता है, लहसुन की जो गांठ होती है वो अच्छी आती है, वरना छोटी रहती है वैसे अच्छी आएगी। अच्छा देखो ये मेरा बैंगन का पेड़ भी तैयार हो गया है। तो बहुत छोटा है अभी, टाइम लगेगा। हैं? टाइम लगेगा, टाइम। इसमें गांठ लगा दी इसीलिए।
अच्छी होंगी गांठ। चलो देखो बाकला में फली भी आ रही हमारे। बाकला में तो फली उस दिन भी आ रही थी। और क्या फलियां दिख तो रही हैं? फली हमने खा भी लिया है। ये फली दिख तो रही हैं? बताया इसकी बाकला की सब्जी भी खाई है। फली निकल आया इसमें? हाँ, सब्जी भी ये देखो खाई है इसमें। देखो दोस्तों कितनी अच्छी फली निकली हुई है, ये देखिए आप देख रहे होंगे। हाँ गाइस, शाम के 7 बज चुके हैं। अब आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था, और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बेल घंटी जरूर बजाएं। बाय।